बहुत ज्यादा ये इसका कलर पसंद है मुझे इसका कपड़े बहुत ज्यादा पसंद है और मैं बता दूँ ये जो कलर आपको दिख रहा है इसमें इस तरह का ऐसा कलर नहीं है इससे भी प्यारा इसका कलर है प्यारा सा पीस है समर फ्रेंडली है एंड या इसको अगर आप वियर करते हो समर वगैरह में तो कुछ भी प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल तो आज की वीडियो आपको थंबनेल और टाटा से पता चल गया होगा ड्रेस हो हॉल वीडियो ने वाली है बहुत ही प्यारे प्यारे से मैं ड्रेसेस वगैरह लेकर आई हूँ सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा बहुत ही प्यारे हैं बहुत ही ज़्यादा क्यूट हैं और आपको पता है कि मुझे प्रिंटेड ड्रेसेस बहुत ज़्यादा पसंद है तो ना एक दो प्रिंटेड ड्रेसेस भी हैं एक दो क्या बहुत ज़्यादा प्रिंटेड ड्रेस हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी तो मैंने इसको ले लिया था मुझे जो फ्लावर वाले प्रिंट होते ना मुझे बड़े पसंद है तो या सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा और अगर आप मेरे चैपे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना क्योंकि अभी जो हॉल वीडियोज आने वाली है ना भाई साहब मैं इतने जबरदस्त हॉल वीडियो लाने वाली हूँ क्या बताऊ बहुत ही प्यार प्यार से लाके लाने वाली हूँ तो जरूर सब्सक्राइब कर देना तो चलिए स्टार्ट करते हैं सो so गाइस सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इससे इस ड्रेस से बहुत ही प्यारा सा ड्रेस है आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा ये देख सकते हो इस तरह से कुछ एंड या ऐसा प्रिंट वगैरह भी मैं पास से दिखा देती हूँ प्रिंट वगैरह बहुत ज़्यादा प्यारा है येलो ब्लू इस तरह का कुछ ढेर सारा प्रिंट दे रखा है पर्पल आ, कलर के ऊपर एंड बहुत ही प्यारा सा पीस है समर फ्रेंडली है एंड या इसको अगर आप वियर करते हो समर वगैरह में तो कुछ भी प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली ऐसे होता है ना कि कुछ कपड़े इचिंग वगैरह होने लगती है कुछ होने लगते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल होने वाला है बहुत ही प्यारा सा है इस तरह से आपको नेक मिलेगा वी नेक एंड थोड़ा सा नेक ना थोड़ा सा डीप सा है हल्का सा हल्का सा डीप है इतना डीप है ठीक है एंड ये देख सकते हो इस तरह से आपको ये स्लीव्स मिल जाएंगे इस तरह से पब स्लीव्स दोनों साइड में इस तरह से देख सकते हो एंड या यहाँ पे आपको बेल्ट वाला कुछ देखने को मिलेगा यहाँ पे आपको इस तरह से बेल्ट देखने को मिल जाएगा आपको ट्रेंड में देखने को मिल ही रहा होगा एंड बहुत ही सिंपल सा ड्रेस है लेकिन बहुत ही ज्यादा प्यारा सा है नीचे आपको इस तरह से फ्रॉक के नीचे रफल वाली डिटेलिंग देखने को मिल जाएगी एंड बहुत ही ज्यादा प्यारा इस को आप बर्थडे पे पार्टी पे या छोटे मोटे फंक्शन पे या डेली बेसिस पे भी इसको यूज कर सकते हो अगर आपको फ्रॉक पहनना बहुत ज्यादा पसंद हो तो, तो यह बहुत ही प्यारा सा ड्रेस है इसका जो मटेरियल था क्रेप मटेरियल था एंड या जो मटेरियल जो भी है बहुत ज्यादा अच्छा है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो आप देख लेना एंड या कैसा लगा जरूर बताना ट्राई ऑन में कैसा लगा कौन सा आपका फेवरेट है जरूर बताना ठीक है तो गाइज हैं नेक्स्ट वन पे जो नेक्स्ट वन मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो है व्हाइट वाला मैं व्हाइट वाला दिखाती हूँ आपको ठीक है ये व्हाइट कलर का ड्रेस है बहुत ही प्यारा सा ड्रेस है इस तरह से कुछ आपको देखने को मिलेगा ये ड्रेस आप देख सकते हो इसका जो फैब्रिक है ना थोड़ा अलग है जॉर्जेट के ऊपर जॉर्जेट नहीं आई थिंक सिफोन है सिफोन के ऊपर कुछ इस तरह से प्रिंट दे रहे। प्रिंट नहीं है कि ना कुछ अलग से डिजाइन बनी हुई है आप देख सकते हो आपको दिखा देती हूँ अलग से डिजाइन बनी हुई है आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक मुझे तो मुझे नहीं पता से क्या बोलते हैं राउंड नेक आपको मिल जाएगा कुछ इस तरह से आपको राउंड नेक मिल जाएगा बहुत ही सिंपल सा नेक है एंड इसके स्लीव थोड़े अलग हैं थोड़े अजीब हैं थोड़े अलग भी हैं तो ये इसके स्लीव्स इस तरह से कुछ है यहाँ पे आपको इलास्टिक देखने को मिलेगा जैसा कि हमेशा आजकल तो ट्रेंड है ये एंड नीचे से आपको ये मिल जाएगा यहाँ से आपका हवा जाता रहेगा ऐसा स्वेटिंग वगैरह जो होती है ना कपड़े में लग जाती है वैसे नहीं लगेगी एंड यहाँ से इस तरह से आपको देखने को मिलेगा ये देखो स्लीव के नीचे जिस तरह से अगर ऐसे उठाओगे ना तो आपके अंड्राम्स दिखेंगे ठीक है एंड यह yeah, बहुत ही प्यारा सा ड्रेस है कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा बहुत ही ज़्यादा सुंदर है फिटिंग वगैरह बहुत ज़्यादा अच्छी थी एंड हाँ जो पिछले बारे मैंने पर्पल दिखाया था ना उसका साइज था मीडियम था एंड इसका भी साइज मीडियम है मेरे सारे ड्रेसेस का साइज़ मीडियम ही है मैं आपको बता दो तो यहाँ पर आपको पीछे की तरफ ना इलास्टिक देखने को मिलेगी इससे ना फिटिंग थोड़ी अच्छी सी हो जाती है कमर के पास बेल्ट वगैरह लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है एंड नीचे आपको इस तरह से रफल वाली डिटेलिंग देखने को मिलेगी एंड फैब्रिक तो मैंने आपको पहले ही दिखा दिया है ठीक है साइज था मीडियम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा तो

कलर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा कलर है मतलब ना समर्स में ऐसे कलर तो पहनने ही चाहिए अं स्लीव्स की बात की जाए तो स्लीव्स एकदम सिंपल सा है देख सकते हो स्लीव्स इस तरह से कुछ आपको देखने को मिलेंगे ये देख सकते हो आप एंड या आपको अगर नेक की बात की जाए तो नेक आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेंगे स्वीट हार्ट नेक है इस तरह से देख सकते हो एंड पीछे आपको इस तरह से कुछ डिटेलिंग देखने को मिलेगी यहाँ पे बटन लगी हुई है एंड ये इसको आप ओपन करके पहन सकते हो बहुत ज़्यादा सही था मुझे थोड़ा अलग से ये लगा था आपको ट्रैक में देखने को मिलेगा होगा नीचे इस तरह से प्लीटेड वाला डिजाइन देखने को मिलेगा आपको ठीक है तो मुझे थोड़ा अलग सा लगा था बट तो मुझे बहुत ज्यादा सही लगा था ये मतलब इस तरह के कपड़े होने चाहिए आपके वॉडरूम में तो या मैंने इसको लिया था लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एंड ये इसका नेक थोड़ा सा बड़ा है जिसको मैं पीछे कर रही हूँ वहां पर ठीक है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो आप देख लेना बहुत ही प्यारा सा ड्रेस है एंड बढ़ नेक्स्ट वन पे जो नेक्स्ट वन मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो है बहुत ही प्यारा सा एक टाई डाई ड्रेस इस तरह से आपको येलो एंड वाइट में आपको देखने को मिलेगा ये ड्रेस बहुत ही खूबसूरत सा ड्रेस है इस तरह से देख सकते हो ऑल ईयर पहनने के बाद बहुत ही ज़्यादा ये प्यारा लग रहा था येलो एंड वाइट पे टाई डाई किया हुआ है ये ना बलून वाले स्लीवस है देख सकते हो कितने बड़े से कितने अच्छे लग रहे हैं एंड या देख सकते हो आगे आपको इस तरह से स्वीट हार्ट नेक देखने को मिलेगा इस तरह से एंड ये फ्रॉक वाली डिटेलिंग देखने को मिलेगी बगल में आपको इस तरह से कट देखने को मिलेगा आपको ट्रेंड में देखने को मिलेगा होगा बगल में कट है यहाँ पर हल्का सा दोनों कमर के पास एंड यहाँ पे आपको इस तरह से इलास्टिक देखने को मिलेगा इससे क्या होगा ना कि आपके जो कमर का जो है ना वो ले लेगा ले मतलब अच्छी तरह से कवर कर लेगा एंड फिटिंग अच्छी आएगी एंड कपड़ा भी अच्छा लगेगा आपके ऊपर मोटे कम दिखोगे ठीक है बहुत ही प्यारा सा ड्रेस है और इसका जो फैब्रिक है प्योर कॉटन है समर फ्रेंडली मतलब मस्त फैब्रिक है ये सब ऐसे कपड़े ना समरस में पहनने ही चाहिए बहुत ही प्यारा सा फैब्रिक है प्योर कॉटन टाइप का है कॉटन ही है प्योर कॉटन टाइप का क्या कॉटन ही है बहुत ही प्यारा सा ड्रेस है ठीक है आई लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो देख लेना बढ़ते हैं नेक्स्ट फ्रंट पे और मुझे बहुत ज्यादा ये इसका कलर पसंद है मुझे इस इसके कपड़े बहुत ज्यादा पसंद है मैं बता दू जो कलर आपको दिख रहा है इसमें इस तरह का ऐसा कलर है इससे भी प्यारा ऐसा कलर है ये एक मैक्सी ड्रेस है एंड या yeah, मुझे ये दिखाना था ड्रेस तो इस वजह से मैंने इसमें ऐड कर लिया एक मैक्सी ड्रेस है एंड इसका जो फैब्रिक है जॉर्जट है बहुत ही सुंदर सा है ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था इसको पहनने के बाद इसको नेक वगैरह पे आप कुछ पहन सकते हो नेक वगैरह में इसको वियर करने के बाद स्क्वायर नेक वाला ये हल्का सा मुझे लूज़ हो रहा था वैसे मेरी साइज मीडियम है बट ये मुझे हल्का सा लूज हो रहा था बाकी आप देख लेना एंड यहाँ पे आपको इलास्टिक देखने को मिल जाएगा एंड बलून वाले स्लीव्स देखने को मिल जाएंगे बहुत ही प्यारे से एंड यहाँ पे आपको एक बेल्ट देखने को मिल जाएगा इसको आप अपने कमर के पास लगा सकते हो एंड इसमें बहुत ही अच्छा घेरा भी है आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा घेरा है अगर आप कोई फोटो शूट वगैरह कराना चाहते हो मेटर्निटी फोटो शूट या प्री वेडिंग फोटो शूट उसके लिए ले सकते हो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत सा पीस है बहुत ज़्यादा अच्छा लगने वाला है ठीक है इसका जो प्राइस था नाइन समथिंग था लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी तो आप देख लेना कि कैसा लग रहा था बाकी ये वाला जो ड्रेस है वो मैंने तो ऑलरेडी अपने एक हॉल में दिखा दया दिखा दिया था फिर भी मैं इसमें आपको दिखा देती हूँ बहुत ही प्यारा सा ये टाई डाई वाला ड्रेस है आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा सुंदर सा है स्लीव्स भी इसके बलून स्लीव्स है मुझे वगैरह स्लीवना पसंद नहीं है पहना इस वजह से मैं स्लीवस वगैरह ज्यादा दिखाती नहीं हूँ इस तरह से आगे नेक आपको देखने को मिलेगा एंड या थोड़ा सा साइज में छोटा था लेकिन मतलब लंबाई थोड़ी छोटी थी बट हाँ अच्छा लग रहा था बहुत ज्यादा प्यार लग रहा था ये देखो पीछे की तरफ आपको इस तरह से इलास्टिक देखने को मिलेगा इसकी वजह से क्या होगा ना कि पूरे कवर कवर को ही कवर कर लेगा एंड अच्छी फिटिंग आएगी जैसे मैं सब बोल रही हूँ एंड जो मैं आपको चार ड्रेसेस दिखाने वाली हूँ ना आई थिंक मैंने ऑलरेडी इसकी वीडियो बना रखी है मुझे याद नहीं आ रहा है आई थिंक मैंने ऑलरेडी इसकी वीडियो बना रखी है चारों मैक्सी ड्रेसेस एक और है जो तो मुझे दिख नहीं रहा है शायद कहा गया या yeah, ये चार जो है इसको मैंने ऑलरेडी मैक्सी हॉल वीडियो बना रखा है इस तीन चारों मैक्सी वाले ड्रेसेस है रुको तो मैं आपको दिखाती हूं सबसे पहले ये ब्लैक वाला देखो प्रिंट वगैरह कुछ आपको इस तरह से देखने को मिलेगा बहुत ही अच्छा है इसके स्लीव्स वगैरह बहुत ही ज्यादा प्यारे हैं नेक आपको इस तरह से देखने को मिलेगा ये आपको इस तरह से देखने को मिलेगा इसका जो प्राइस था आई थिंक सेवन हंड्रेड समथिंग रुपीज था लेकिन बहुत ही प्यारा सा ड्रेस है आपको बहुत ही ज्यादा ये सुंदर लगेगा अगर आप वियर करते हो तो अगर आपको छोटे ड्रेसेस वगैरह पहनना नहीं पसंद है इस वजह से मैं इसको ऐड कर रही हूँ ना कुछ लोगों को छोटे ड्रेसेस मतलब शॉर्ट्स ड्रेसेस पहनना नहीं पसंद है तो ये मैक्सी ड्रेसेस वगैरह उनके लिए बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होती है तो ये सकते हो इसका जो प्राइस है सेवन हंड्रेड समुपीज है यहाँ पे ड्राइव में आपको देखने को मिल ही खूबसूरत कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा ठीक है? बहुत, है। है है। 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 बहुत ही अच्छा मटेरियल है एंड बाजू पे लगा रखा है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा अगर आपको शॉर्ट्स ड्रेसेस नहीं पसंद है तो आप ये पहन सकते हो ठीक है जिसको मैंने ऑलरेडी अपने एक वीडियो में दिखा रखा है फिर भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ क्योंकि कुछ लोगों को शॉर्ट ड्रेसेस नहीं पसंद

सिक्स हंड्रेड फोर्टी सेवन रुपीज इसका जो प्राइस था सिक्स हंड्रेड फोर्टी सेवन रुपीज में बस यहाँ आपको मिल जाएगा साइज था मीडियम लू हल्का सा टाइट हो रहा था बता नेक्स्ट वन पे जो नेक्स्ट वन मैं आपको दिखाने वाली हूँ ये भी एक मैक्सी है जिसको मैंने ऑलरेडी दिखा रखा है फिर भी मैं दिखा रही हूँ इससे ब्लू एंड येलो में येलो का कॉम्बिनेशन Uh, मिल जाएगा ये थोड़ा सा पेस्टल वाला कलर है बहुत ही प्यारा सा है एंड या प्रिंट वगैरह कुछ आपको इस तरह से देखने को मिलेगा मैं आपको पास से दिखा देती हूँ इस तरह से आपको प्रिंट देखने को मिलेगा इसका जो प्राइस था ना आई थिंक एट हंड्रेड समथिंग रुपीज़ था लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा पीस मुझे लगा था कलर इस तरह के कलर ना बहुत ही कम ही मिलते हैं मुझे बहुत ज़्यादा सही लगा था इसका कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा सही लगा था तो मैंने इसको परचेज किया था इसका जो प्राइजेस एट हंड्रेड समथिंग रुपीज़ है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा देख लेना बाकी आपको ट्रेंड में देखने को मिल ही गया होगा कैसा लग रहा है बट था नेक्स्ट वन पे जो नेक्स्ट वन है वो है ये ये पिंक वाले का ही ब्लैक कलर में है थोड़ा इसका फ्लोरल प्रिंट थोड़ा अलग था लेकिन डिज़ाइन इसकी सेम है सेम नेक सेम ये इसमें और भी डिज़ाइन अवेलेबल है इस इस प्रिंट में तो आप देख लेना वहाँ पे इसमें आपको इस तरह से कुछ स्लीव्स मिल जाएंगे पॉप वाले एंड इसका भी प्राइस सिक्स हंड्रेड फोर्टी सेवन रुपीज़ था मैक्सी ड्रेसेस है मैक्सी ड्रेस है तो अगर आपको शॉर्ट्स पहनना नहीं पसंद है तो आप ये ले सकते हो ठीक है बहुत ही प्यारा सा है एंड फैब्रिक वगैरह समर फ्रेंडली है सारे जो फैब्रिक है ना समर फ्रेंडली है, आप समर में वेयर कर सकते हो ठीक है तो ये सारे ले सकते हो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो आप देख लेना सो so गाइज़ ये रही मेरी आज की हॉल वीडियो आई होप ये हॉल वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो आपको अच्छी लगी हो मुझे पता है मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोलती हूँ <laughs> बट यार जो भी ड्रेसेस है ना बहुत ज़्यादा प्यारे हैं सबके फैब्रिक वगैरह बहुत ज़्यादा अच्छे हैं साइज सबकी मीडियम थी एंड बहुत ज़्यादा अच्छे हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा मुझे इंस्टा पे जरूर फॉलो कर लेना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना ना हो तो बाय लव यू टेक केयर और भी बहुत प्यारे प्यारे से क्यूट क्यूट से ड्रेसेस क्यूट क्यूट से टॉप्स बहुत सारे लेकर आई हूँ तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना ठीक है बाय